सीएनसी मशीन से तैयार। मेट्रो अल्मीरा, सुरक्षा की सौगात मेट्रो अल्मीरा के साथ। धर्मनगरी अयोध्या के राम मंदिर के महा घोटाले का मुद्दा तेज होता जा रहा है। इसे लेकर जहां आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं महाबली यानी बजरंगबली के दरबार में भी मामले को पहुंचा दिया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महाबली के दरबार में पहुँच गए। हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान को उनके बल की याद दिला रहे हैं। ट्रस्ट बनाया था रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए, जिसके ट्रस्टी चंपत राय जी हैं, उन्होंने एक रजिस्ट्री जो राम मंदिर निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली थी, वो 2 करोड़ की ज़मीन थी, उसको 5 मिनट के पहले 2 करोड़ रुपए में वो ज़मीन किसी के द्वारा खरीदी गई थी, उस ज़मीन को इन्होंने 18 करोड़ रुपए में खरीदी। ये बताइए कि 5 मिनट में किसी ज़मीन का दाम 18 करोड़ कैसे हो जाएगा 2 करोड़ से, 16 करोड़ कोई ज़मीन कैसे बढ़ सकती है। साफ मतलब है कि शेष जो 16 करोड़ रुपए है, ये चंपत राय जी और ट्रस्ट वाले और संघ वाले ये मिल करके खा जाएंगे। ऐसी पता नहीं कितनी ज़मीनें ये लोग खरीद रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करने आए हैं कि हे हनुमान जी, आप सद्बुद्धि दें इन भाजपा वालों को, राम मंदिर क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट वालों को और इन संघ वालों को ये सद्बुद्धि दें कि कम से कम भगवान रामलला को बख्श दें, भगवान रामलला के नाम पर घोटाला न करें। ये आस्था का सवाल है, करोड़ों राम भक्तों का सवाल है। हम लोगों ने भी भगवान राम के लिए जो भी हो पाया अर्पित किया है, चंदा दिया है, सारे देशवासियों ने दिया है, तो इसीलिए हम लोग आज पूजन अर्चन कर रहे हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि घोटालेबाज राम मंदिर निर्माण से दूर हो जाएं। भाजपा, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर कार्यवाही की मांग महाबली से की जा रही है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।